नाहन में स्थित डॉक्टर वाई एस परमार मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में करीब 10 सालों के लंबे इंतजार के बाद शिलाई के रहने वाले एक 20 साल के युवक टीटू शर्मा के कूल्हे के जोड़ का सफल प्रत्यारोपण किया गया है। हालांकि ये ऑपरेशन हाल ही में 23 मई को किया गया, लेकिन लंबे इंतजार के बाद बेटे का इलाज होने के बाद उसके परिजनों ने राहत की सांस ली है। फिलहाल युवक अभी मेडिकल कॉलेज में ही भर्ती है और अब उसकी स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। मेडिकल कॉलेज नाहन के मेडिकल अधीक्षक और आर्थो विभाग के HOD डॉक्टर नवीन गुप्ता के नेतृत्व में 7 डॉक्टरों वाली टीम ने इस कूल्हे के जोड़ के सफल ऑपरेशन को बहुत ही सफल तरीके से अंजाम दिया है। हमारे कूल्हे और घुटने के जोड़ के प्रत्यारोपण के ऑपरेशन जो थे वो कोविड पेंडेमिक के कारण बीच में से उन पर कुछ विराम लग गया था, वो बंद हो गए थे, वो अब नाहन मेडिकल कॉलेज में दोबारा शुरू हो गए हैं। और हमने हमारी टीम ने एक पिछले हफ्ते 23 तारीख को एक कूल्हे के जोड़ के प्रत्यारोपण का सफल ऑपरेशन किया है। और इस मरीज का नाम टीटू शर्मा है और ये टीटू शर्मा काफ़ी दिनों से अपने कूल्हे के जोड़ की तकलीफ से परेशान था, लेकिन अब कूल्हा है पूरी तरह से ठीक है, बदल दिया है हमने 23 तारीख को। और इसका ये ऑपरेशन जो है हिम केयर की जो सरकार की योजना है उसके अंडर हुआ है और ये पूरा निशुल्क हुआ है और ये अब ऑपरेशन रेगुलरली हुआ करेंगे नाहन मेडिकल कॉलेज में।